डॉ सोनम कोठारीथिक न्यूरोजिस्ट एंड अ बोध सर्टिफाइड एनालिस्ट आई एम ऑल्सो स्पेशल एजुकेटर एंड एन ओरल प्लेसमेंट थेरेपिस्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की जो बच्चे होते हैं दे माइट नॉट बी इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड मतलब उनकी बुद्धि कम होना जरूरी नहीं है कुछ बच्चों की बुद्धि एक्चुअली एवरेज से काफी ज्यादा रहती है मतलब दे आर सुपर इंटेलिजेंट उनकी न्यूरोटिपिकल बच्चों से भी ज्यादा बुद्धि रह सकती है इसीलिए उनमें कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों में नहीं दिखते हैं सो फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होंगे ऑटिज्म के जो कहीं पे कुछ देख के आते हैं और उसका स्केच एग्जैक्टली exactly वैसा ही बनाते हैं दिस स्किल इज नॉट यूजल इवन अ एडल्ट ऑफ 28 एट ईयर्स एज नॉट डू दिस बट अ चाइल्ड ऑफ सेवन ईयर्स विथ ऑटिज्म कैन डू दिस सो दीज आर कॉल्ड एज सेवन स्किल्स विच आर रिय अनइमेजिनेबल स्किल्स विच अ चाइल्ड कैन हैव हुपेक्ट्रम कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज या बिलो एवरेज में होते हैं मतलब जैसे सारे बच्चे होते हैं या मैक्सिमम बच्चे का जिस जो इंटेलिजेंस होता है इन बच्चों का भी वही इंटेलिजेंस होता है एक फोर्टी परसेंट बच्चे होते हैं जो लो एवरेज होते हैं या फिर इंटेलैक्चुअली डिजेबल्ड होते हैं जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड होते हैं उनमें भी जो माइल्ड डिजेबिलिटी है दे आर स्टिल फाइन दे कैन ग्रो वेरी वेल बट जो सिवियर डिजेबिलिटी विथ सिवियर ऑटिज़म होते हैं उनको सिखाना उनको नई स्किल सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि उनके पास बुद्धि भी कम है ऊपर से मैं सोशल नहीं हूँ मतलब मुझे ऑटिज्म भी है सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटिज्म प्लस इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी बट प्रमाण या इनका परसेंटेज काफी कम होता है सो so, हर बच्चा इज नॉट इंटेलेक्चुअली डिजेबल हु इज ऑन द स्पेक्ट्रम सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो वो स्पेशल स्कूल में जाएगा नहीं द चाइल्ड हु इज नॉट इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड और इज हैविंग एन इंटेलिजेंस ऑफ एवरेज और एवरेज बट ऑन द स्पेक्ट्रम कैन हैव अ रूटीन स्कूलिंग एंड कैन कंप्लीट हिज एजुकेशन द ओनली चिल्ड्रन हु कैन नॉट गो इन टू अ रूटीन स्कूलिंग एंड रिक्वायर अ स्पेशल एजुकेशन आर द किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम एंड हैविंग इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज टू हेल्प द किड्स विद इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटीज As well as the kids who are having any other developmental issues like autism spectrum disorders, ADHD, specific learning disabilities, communication problems, and behavioral issues with an average or above average intelligence. We need to have a system to teach both these categories in a similar setup. The only difference should be in the curriculum, the way of teaching and the specific interventions for these different groups that can be done by creating individualized education plans in the similar setup or the same environment and that is called inclusive schooling on the occasion of this world autism awareness day butterfly learnings introduces bliss that is butterfly learnings inclusive schooling system a holistic learning environment for kids with all backgrounds. bliss aims to provide a safe and supportive environment with trained behavioral therapists, special educators, and comprehensive assessment and progress tracking methods along with the home plans. the individualized education plans will include social skills, communication skills, activities of daily living, Academic skills, functional skills, and most important, behavioral management designed as per child's capabilities. Let's promote awareness, understanding, and inclusion.